मैं जीलो को चैलेंज करता हूँ, असलम दाल में आके मेरे साथ मुकाबले में बैठे, मेरे से चैलेंज बेच के। खुला चैलेंज। इसमें मसाले माशाल्लाह पूरे डालता हूँ, और बादाम और खरोट मलाई डालता हूँ, मिल्क पैक दूध डालता हूँ। तो आज तो आप लेट हो गए, आपको तो मिलेंगे भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपको ना मिले? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, क्या क्वालिटी वाइज कहेंगे, घर में पसंद किए जाते हैं? जी पसंद किए जाते हैं, स्पेशल यहाँ पे आता हूँ। शादीशुदा आप? जी शादीशुदा। कोई घर जाके कुछ आपके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं होता इनके चलने? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन आज मैं एक बड़ा ही मुनफरिद सा फूड रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन अब्दाल मेन शहर में, और यहाँ पर जो देसी खानों के शौकीन हैं और ख़ास तौर पे लाहौरी खानों के शौकीन हैं, उनके लिए मैं एक खसूसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि लाहौरी नाश्ता और लाहौरी चने इस वक्त आपके शहर हसन अब्दाल में भी आ चुके हैं। और मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं बख्तू भाई के चने यहाँ पर काफ़ी मशहूर हैं, तो इनसे बात करते हैं। बख्तू भाई, ये कब से आप चने लगा रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए, और ये डेली के आप कितने बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे चने लगाते हुए। तो 2 साल हो गए मुझे चने लगाते हुए, तो 2 सालों में पहली दफ़ा स्टार्टिंग जो मैंने की है 1.5-2 किलो से शुरू किया था। अल्लाह अच्छा। ताला ने इज्जत रखी, माशाल्लाह अभी 20 और 25 किलो लगाता हूँ मैं। रोज़ के 20 और 25? जी रोज़ के 20 और 25। अच्छा, तो तकरीबन कितने टाइम में आप बेच लेते हैं ये सारे? तकरीबन या कभी 11 बज देते हैं, कभी 12 बज देते हैं, आखिरी टाइम मेरा होता है 1.5-2, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, तो क्वालिटी आपकी क्या है जो आपको सबसे मुनफरिद बनाती है? यानी होटल वाले तो और भी हैं, ये चने बेचने वाले तो और भी हैं, लेकिन क्वालिटी आपकी किस लिहाज से भी आप? क्वालिटी में मैं इसमें मसाले माशाल्लाह पूरे डालता हूँ, और बादाम और खरोट मलाई डालता हूँ, मिल्क पैक दूध डालता हूँ। ये जीला जो लाहौर में बैठा हुआ है अपनी वीडियो से जो खास तौर पे मैं कहूँगा, क्योंकि जिले के काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, तो उस लिहाज से आप क्या फिर कहना चाहेंगे? मैं जीलों को चैलेंज करता हूँ, असलम दाल में आके मेरे साथ मुकाबले में बैठे, मेरे से चैलेंज बेच। खुला चैलेंज। आप भी जी पूरे लाहौर पूरे सलबदार को चैलेंज मेरे चैनों का। आप भी जिले जैसी मोहब्बतें डालते हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं डालते हैं, हम 50 के चने जिसको देते हो कहता है यार फलाना इतने 150 के देता है। अच्छा, तो आपका क्या रेट क्या है इनका, अगर चनों की बात की जाए? 100 रुपये प्लेट में साथ ही देता हूँ, अंडा डाल के 130 रुपये। अच्छा, अंडा डाल के 130 रुपये। तो अपनी ये लोकेशन ज़रा समझा दीजिएगा कि जो आपके पास आना चाहे और आपके चने खाना चाहे तो उसके लिए क्या ये लोकेशन है? सिविल अस्पताल है, हज़ारा रोड है, सिविल अस्पताल के साथ ही हमारी दुकान नस्त बिलाल मस्जिद है हमारे। ठीक है, तो आप किस टाइम आते हैं और किस टाइम जाते हैं? सुबह मैं 5:45 बजे आ जाता हूँ। सुबह 5:45? पौने 5 बजे। तो इंशाल्लाह 1 बजे, 1:30 बजे, 11 बजे अभी मेरे चने ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अभी आज इतवार है, मैंने 30 किलो चने लगाए थे, ख़त्म हो गए मेरे चने। अच्छा, यानी अभी तकरीबन 9:30 का टाइम है और 3-4 घंटों में ही इनके सारे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर इनके कस्टमर आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र लगा। यहाँ पे चने खाने आए हैं? जी जी चने लेने आए हूँ। क्या आपको लगता है कि पूरे हसन अब्दाल में इनकी तरह के कोई चने बना रहा है या नहीं? नहीं, कोई भी नहीं बना रहा। नहीं, तो आज तो आप लेट हो गए, आपको तो मिलेंगे भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपको ना मिले? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, क्या क्वालिटी वाइज कहेंगे, घर में पसंद किए जाते हैं? जी पसंद किए जाते हैं, स्पेशल यहाँ पे आता हूँ। शादीशुदा आप? जी शादीशुदा। कोई घर जाके कुछ आपके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं होता इनके चने लेके? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं इनके चने। तो आप इन्हें नहीं मिले, क्या कहना चाहेंगे, चने आपको नहीं मिले? नहीं, फिर दोबारा बना देंगे, आ जाएंगे फिर बन गए। फिर दोबारा बना देंगे? नहीं, तो फिर नेक्स्ट टाइम अब कह रहे हैं ना, मगर इंशाल्लाह कल इनको मिलेंगे। अभी कल मिलेंगे, कल आएंगे आप? इंशाल्लाह जरूर। चने लेने आए थे? चने लेने आए हैं भैया, कोई नहीं, ख़त्म हो गए, अभी कुलचों पे गुजारा करेंगे। खाली कुलचे खाएंगे? नहीं, अब क्या कर। तकरीबन कितने अच्छे से आप खा रहे हैं? मैं ये जब से शुरू हुए तब से खा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको तकरीबन इधर टाइम कितना हो गया? मुझे तो तकरीबन 8-9 साल हो गए चने लगाने पर, मुझे 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है फिर, अब नेक्स्ट टाइम फिर चला गया? अब कल पे। ठीक है, जीले के चने आपने खाए हुए? नहीं खाए भैया। वीडियो देखी हुई है? वीडियो तो बहुत। क्या लगता है इन दोनों में से कौन बेहतर है? हमें तो यही बेहतर लगते हैं, वो कहते हैं ना घर के जो घर के पास हो वो ज़्यादा बेहतर है। अब इतने दूर हम चने खाने जाएँ, इनका टेस्ट तो ज़्यादा बेटर है। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एक बार बख्तू भाई के चने आपने ज़रूर खाने हैं, लेकिन आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा, सुबह 8-9 बजे तक यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद आपका आना फजूल ही जाएगा। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।